सभी को मेरा नमस्कार। आज लर्निंग स्टाइल्स। लर्निंग स्टाइल्स एक बहुत कैची टॉपिक है, कैची बहुत बज वर्ड है साइकोलॉजी में। इन जनरल भी हम लोग लर्निंग स्टाइल्स पर बात करते हैं, तो लर्निंग स्टाइल्स पर बात करते हैं आज। देखते हैं, जानते हैं क्या है लर्निंग स्टाइल्स, कहाँ से इनका उद्भव हुआ, किन साइकोलॉजिस्ट ने इस पर बात की है और एक्चुअली ये है क्या। इमर्जेंस, कहाँ से उत्पत्ति होती है इसकी। तो लर्निंग स्टाइल का जो कंसेप्ट है वो सबसे पहले आर डन ने 1960 में इस्तेमाल किया। इसका मतलब कि लर्निंग स्टाइल के नाम से हमको लिटरेचर नहीं मिलता इसके पहले। आर डन, उन्होंने 1960 में इस्तेमाल किया लर्निंग स्टाइल का। लेकिन ये जो आइडिया क्या है लर्निंग स्टाइल का, लर्निंग स्टाइल का आइडिया ये है कि जो लर्नर्स हैं उनको एक, उनकी हर लर्नर की एक प्रेफरेबल लर्निंग स्टाइल होती है। यानी कि अगर उसको उस तरीके से हम लर्निंग मटेरियल उसको प्रोवाइड करते हैं, उस रूप में प्रोवाइड करते हैं, तो वो लर्न मटेरियल को बेहतर ग्रैस्प करता है और उसकी लर्निंग जो होती है वो बेटर होती है और परमानेंट होती है। ये लर्निंग स्टाइल का पूरा कंसेप्ट है। तो ये लर्निंग स्टाइल के नाम से आर डन ने 1960 में इस्तेमाल किया। लेकिन ये कंसेप्ट कि जो लर्नर्स होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं, यूनिक होते हैं, उनकी लर्निंग स्टाइल स्पेशल होती है, वो एक प्रेफरेबल लर्निंग स्टाइल को प्रेफर करते हैं, ये जो कंसेप्ट है इसकी बात बहुत पहले से हो रही है। द आइडिया, जो ये विचार है, द आइडिया वॉज फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड बाय एरिस्टोटल इन 334 BC बिफोर क्राइस्ट, हु बिलीव्ड ईच चाइल्ड पजेस स्पेसिफिक टैलेंट्स एंड स्किल्स, है ना। यानी कि जो प्रत्येक बालक है उसके पास एक स्पेसिफिक, एक विशिष्ट टैलेंट है, उसके पास विशिष्ट कौशल है, और इस आइडिया को एरिस्टोटल ने बहुत पहले रिकॉग्नाइज कर लिया था। फिर वाइगोत्स्की और पियाजे ने भी इस कंसेप्ट के इवोल्यूशन पे काम किया। क्यों? क्योंकि वाइगोत्स्की साहब भी बात कर रहे हैं कि स्कैफोल्डिंग पे, वो बात कर रहे हैं प्रॉक्सिमल जोन पे, पियाजे साहब कंस्ट्रक्टिविज्म पे बात कर रहे हैं। तो ये सब कहीं ना कहीं कैसे लर्निंग हो रही है, कैसे लर्निंग कंस्ट्रक्ट की जा रही है, इसी पर बात की जा रही है। लेकिन जो वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक खास हुए हैं जिनका लर्निंग स्टाइल में नाम आता है, वो है हॉवर्ड गार्डनर। हॉवर्ड गार्डनर गेव न्यू लाइट टू दी इमर्जेंस ऑफ लर्निंग स्टाइल्स। कैसे? आपको पता होगा कि हॉवर्ड गार्डनर ने थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस दी है अपनी, उनकी बुक आई थी फ्रेम्स ऑफ माइंड। यस, फ्रेम्स ऑफ माइंड, उसमें उन्होंने किताब पे मल्टीपल इंटेलिजेंसेस के बारे में जिक्र किया। और अगर आपको बेहतर समझना, जानना है, उसको रिवाइज करना है इसको, तो हॉवर्ड गार्डनर पे थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस पे एक वीडियो मैं पहले भी बना चुकी हूँ, आप उसे देख लीजिए, तो वहाँ पे क्लियर हो जाएंगी आपको चीज़ें। तो मल्टीपल इंटेलिजेंस को क्विक रिव्यू यहाँ पर करते हैं कि क्या है। गार्डनर साहब ने कहा कि क्यों हम सिर्फ एकेडमिकली जो एक्सेल करता है उसको इंटेलिजेंट मानते हैं और बाकी लोगों को नहीं मानते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं हमारे जो माइंड है, जो उसमें बहुत तरीके से हम बहुत चीज़ों में, बहुत मायनों में, बहुत एस्पेक्ट्स में हम एक्सीलेंस शो कर सकते हैं। कोई किसी के पास स्पिरिचुअल एक्सीलेंस है, किसी के पास म्यूजिकल एक्सीलेंस है, किसी के पास स्पेशियल एक्सीलेंस है। तो इस तरह से करते हुए उन्होंने सबसे पहले 6 मल्टीपल इंटेलिजेंसेस बताई, फिर उसको 7 किया, 8 किया, बढ़ते हुए वो 9 हो गया है। और ये एवर इंक्रीजिंग है कंसेप्ट। क्यों? क्योंकि फिर कोई एरिया नया डिस्कवर हो जाएगा कि अच्छा अच्छा ये भी एरिया है, ये भी हमको ध्यान देने योग्य है, हमको अपनी पढ़ाई लिखाई में, करिकुलम में, इवेल्युएशन में इस पर भी ध्यान देना चाहिए। तो ये एवर इंक्रीजिंग कंसेप्ट की तरह बढ़ता जा रहा है, जैसे कि SOI मॉडल है ना। गिलफर्ड साहब ने स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल जो दिया था, वो भी पहले 120 था, फिर 160 हुआ, अब 180 हो जाती है जो इंटेलिजेंस का उनका निकल कर आता है त्रिगुणित अनुपात में। तो यहीं से लर्निंग स्टाइल ये सम्मिश्रित हो जाती है, किसकी? हॉवर्ड गार्डनर की, उनके मल्टीपल इंटेलिजेंस के कंसेप्ट के साथ। फिर कोल्ब ने लर्निंग स्टाइल पे बात की है, और इन्होंने जो लर्निंग स्टाइल पे बात की है वो इन्हीं की एक्सपीरियंशियल लर्निंग साइकिल या एक्सपीरियंशियल लर्निंग थ्योरी है जो 1984 में आई, उस पर बेस्ड है इनका लर्निंग स्टाइल का हिसाब किताब। और अनदर नोटेबल थियरिस्ट वॉज नील फ्लेमिंग। देखिए वार्क, ये जो क्या है, बार्क का एक्रोनिम है, इसका फुल फॉर्म क्या है? विजुअल ऑडिटरी या ऑरल रीडिंग राइटिंग और काइनेस्थेटिक। वी फॉर विजुअल, ए फॉर A for auditory, R for reading writing और K for kinesthetic। और ये 1987 में देते हैं, और आप लर्निंग स्टाइल को अगर सर्च करेंगे गूगल पे तो आपको जनरली यही मिल जाता है, वार्क, है ना।
या लर्निंग स्टाइल जब हम गूगल पे सर्च करते हैं तो बड़ा कंफ्यूजिंग होता है स्टूडेंट्स के लिए, क्यों कभी उनको चार मिलती हैं ये वार्क वाली, कभी उनको ये हॉवर्ड गार्डनर की सात वाली मिल जाती हैं। आप क्लिक कीजिए तो आपको सेवन लर्निंग स्टाइल के नाम से मिल जाएगा, सेवन टाइप्स ऑफ लर्नर्स। क्यों? क्योंकि जब हॉवर्ड गार्डनर ने सात मल्टीपल इंटेलिजेंसेज बताई थी, फिर वो आगे बढ़ के आठ हो गई, फिर आपको आठ भी मिलती हैं और आपको नौ भी मिलती हैं। इसलिए बच्चे बहुत कन्फ्यूज हो जाते हैं कि क्यों नंबर में इतनी डिस्क्रिपेंसी है ना। तो हमको ये पता होना चाहिए कि जब हमको सात आठ नौ मिल रही हैं वो हार्वर्ड गार्डनर के हिसाब से हैं। कोल्ब साहब ने भी पहले चार बताई थी, फिर उन्होंने नौ कर दी बढ़ा के, तो ये नौ लर्निंग स्टाइल हमको मिल रही तो वो कोल्ब की हो सकती है या हार्वर्ड गार्डनर की हो सकती है। नील फ्लेमिंग की चलो चार है, वो चार ही स्थिर है, बहुत पॉपुलर भी और ये याद करना भी आसान है, तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। और जो ये फेल्डर सिल्वरमैन लर्निंग स्टाइल मॉडल है इनका तो सबसे अलग है, तो कंटिन्यूम पे बात करते हैं, तो ये बाकी सबसे नहीं कन्फ्यूज होते हैं, मतलब बच्चे नहीं कंफ्यूज होते। तो प्लीज आप इस बात को ध्यान दीजिएगा कि आपको सात आठ नौ चार जो भी मिल रही है तो किसका क्लासिफिकेशन है, किसके हिसाब से है। इसलिए नंबर पे मत जाइएगा, ये ध्यान दीजिएगा कि हॉवर्ड गार्डनर का है, कि कोल्ब का है, कि नील फ्लेमिंग का है, कि ये आप FSLSM की बात हो रही है या और भी कई मॉडल्स हैं, पर मैंने यही चार लिए, बहुत है आपके लिए इतना जानना स्टूडेंट लेवल पे। ओके चलिए नेक्स्ट, अब आगे शुरू करते हैं गार्डनर की लर्निंग स्टाइल। देखो गार्डनर की लर्निंग स्टाइल में हम क्या हमने बात की कि कई तरीके की लर्निंग स्टाइल हो सकती है। प्रेफरेबल लर्निंग स्टाइल बच्चे की अलग होती है, स्टूडेंट की अलग होती है, और एज अ टीचर, एज एन एजुकेटर, एज एन गार्जियन, एज अ गार्जियन, एज ए पॉलिसी मेकर हमको क्या करना है कि हमको ये ध्यान देना है कि किस तरीके के बच्चे का क्या प्रेफरेबल लर्निंग स्टाइल है, तो उसको हम उसी हिसाब से अगर पढ़ाएं, लर्निंग मटीरियल को उसी हिसाब से उसके सामने प्रस्तुत करें तो वो बेहतर सीखेगा। फंडामेंटल इसके पीछे यही है। यहाँ पे क्या लिखा है कि इनिशियली गार्डनर हैज गिवन, इनिशियली दो बार आ गया, कोई बात नहीं, सिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंसेस विच वर नाउ एक्सपेंडेड अप टू नाइन एंड कैन बी एक्सपेंडेड फर्दर, मतलब छह से शुरू किया जो नौ हो गया और भी आगे बढ़ सकता है। एंड गार्डनर्स MI यानी कि मल्टीपल इंटेलिजेंसेस हैव बीन कॉन्फ्लेटेड विद लर्निंग स्टाइल्स, उसी से उसका सम्मिश्रण सा हो गया है। देखिए यहां से शुरू करते हैं, विजुअल स्पेशल टाइप का अगर लर्नर है तो यानी कि वो देख कर अच्छा सीखता है, यानी कि लर्निंग मटेरियल को विजुअल फॉर्म में, चार्ट के फॉर्म में, ग्राफ के फॉर्म में, पिक्टोरियल, डायग्रामेटिक अगर हम उसको प्रेजेंट करते हैं, उसके सामने रखते हैं, प्रेजेंटेशन देते हैं तो वो बेहतर सीखेगा। फिर बॉडीली काइनेस्थेटिक लर्नर अगर है तो यानी कि उसको हैंड्स ऑन एक्टिविटीज चाहिए, वो फिजिसिस्ट बन सकता है, वो ड्रामेटिस्ट बन सकता है, वो जिमनास्ट बन सकता है, वो खिलाड़ी बनने की उसमें जनता काबिलियत है, तो कोई भी काम अगर हम करके सीखेंगे, लर्निंग बाई डूइंग वाला है हिसाब किताब, तो वो उसके लिए बेहतर है। कोई भी एक्टिविटी, मतलब सिर्फ खेल कूद नहीं, पढ़ाई लिखाई भी वो करके ही सीखेगा तो वो बेहतर सीखेगा। फिर म्यूजिकल, कई बच्चे ऐसे होते हैं, कई इंडिविजुअल्स ऐसे हैं जो शांत सूदिंग वातावरण में एक सौम्य सा म्यूजिक चल रहा हो तो वो बेहतर सीखते हैं। लिंग्विस्टिक में क्या है, हमको लैंग्वेज के फॉर्म में मिलेगा अगर मटीरियल, रिटन फॉर्म में मिलेगा तो हम बढ़िया सीखेंगे, मतलब वो लर्नर जिनकी लिंग्विस्टिक लर्निंग स्टाइल जो रखते हैं। लॉजिकल मैथमेटिकल वाले, उनको अंकों से खेलना, उनको लॉजिक है, उनके पास नंबर न्यूमेरिकल एबिलिटी है, तो अगर हम गणितीय रूप में उनको सिखाएंगे कोई भी कंसेप्ट तो वो बेहतर सीखेंगे। इंटरपर्सनल वाले क्या है, सोशल है, इसको सोशल भी कहा जाता है, सोशल है मतलब वो ग्रुप में सीखते हैं, पीयर लर्निंग, कोलेबोरेशन, एक्टिव कोऑपरेशन, तो ये सब इनके पास, ये फंडामेंटल्स इनके हैं और ये इस तरीके से बेहतर सीखते हैं। इंट्रापर्सनल को सॉलिटरी भी कहते हैं, सॉलिटरी मतलब एकाकी लर्नर, एकाकी लर्नर मतलब कि वो अकेले सीखेगा, उसको भीड़ में नहीं पढ़ सकता है, जब वो जब तक उसको अकेलापन नहीं मिलेगा तब तक वो नहीं सीख सकता है। और नेचुरलिस्टिक का मतलब ये देखिए, ये नेचुरलिस्टिक ये बाद में जोड़ी गई है, इसके बाद एग्जिस्टेंशियलिस्ट भी है, वो मैंने इसमें नहीं लिखा है, दिखाया है, शो किया आपको, तो ये आठ होंगी ना इस वक्त, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, यस, इसमें अगर नौवा एग्जिस्टेंशियलिस्ट जुड़ जाएगा तो वो हो जाएगा। तो नेचुरलिस्टिक वाला क्या है, नेचर के संपर्क में, वो प्रकृति में पार्क में घूम टहल के उसको याद होगा, या उसको प्रकृति से प्रेम है, पौधों के बीच में, पौधों के बारे में जानना, पौधे का एक प्रकृति जन्य जितनी चीजें हैं उससे वो लर्निंग उसकी बेहतर होती है। और एग्जिस्टेंशियलिस्ट का मतलब होता है वो बच्चे, वो इंडिविजुअल जो इस गहन गूढ़ प्रश्न में मतलब ज़्यादा ध्यान देते हैं कि ये जीवन क्यों आया, मृत्यु क्यों होती है, मृत्यु के बाद क्या होता है, जीवन का अस्तित्व क्या है, जीवन का मूल क्या है, इस तरीके के प्रश्न,
तो हमको वो फिलोसफी, हम उनको क्या ट्रेनिंग दे सकते हैं कि आप फिलोसफी के सब्जेक्ट को अपनाइए या फिलोसफर मतलब उसमें आगे कुछ एक्सेल कीजिए तो आपके लिए बढ़िया है क्योंकि आपका वो लर्निंग स्टाइल है। तो ये हिसाब किताब लर्निंग स्टाइल का अकॉर्डिंग टू गार्डनर है, जो कि 6 था, फिर 7 हुआ, फिर 8 हुआ, फिर 9 हुआ, फिर इसलिए आप नंबर्स से कंफ्यूज नहीं होंगे। देन कोल्ब का लर्निंग स्टाइल, देखो कोल्ब का जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग है वो भी पूछते हैं, और एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे अभी तक मैंने नहीं बनाया था वीडियो कोई, तो मैंने इसीलिए 2 स्लाइड एक्सपीरियंशियल लर्निंग और एक्सपीरियंशियल लर्निंग साइकिल पे ही डाल दिए कि वो भी साथ में कवर हो जाए आपका। तो कोल्ब का जो लर्निंग स्टाइल है वो उनकी एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे बेस्ड है, और उनकी एक्सपीरियंशियल लर्निंग को कितने लोग उसके फाउंडेशनल स्कॉलर्स हैं ये देखिए, फाउंडेशनल स्कॉलर्स ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग आर, यानी कि इतने स्कॉलर्स ने वो बेस तैयार किया, वो फाउंडेशन दिया जिस पर कि कोल्ब ने अपना एक्सपीरियंशियल लर्निंग साइकिल बनाया है। कितने हैं? विलियम जेम्स साहब, जो सबसे पहले रेडिकल एम्पिरिसिज्म से शुरू करते हैं, फिर कर्ट लिविन, आप जानते हैं कि कर्ट लिविन का नाम एक्शन रिसर्च में आता है, कार्ल रोजर्स जो कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या ह्यूमनिस्ट थियोरिस्ट कहलाए जाते हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्सपीरियंसिंग, फिर कार्ल जंग या यूंग इनको कहते हैं, डेवलपमेंट फ्रॉम स्पेशलाइजेशन टू इंटीग्रेशन, जॉन डीवी जो खुद बात करते हैं एक्सपीरियंशियल एजुकेशन की, पियाजे साहब जो कंस्ट्रक्टिविज्म बताते हैं, वाइगोट्स्की जो प्रॉक्सिमल जोन ऑफ डेवलपमेंट की बात करते हैं, पॉल फ्रेरे जिन्होंने क्या बताया, नेमिंग एक्सपीरियंस इन डायलॉग, एंड मैरी पार्कर फॉलेट जिनका की लर्निंग इन रिलेशनशिप और क्रिएटिव एक्सपीरियंस में नाम आता है। यानी इतने स्कॉलर्स के जो थेरीज थी उन पर कोल्ब साहब ने अपनी एक्सपीरियंशियल लर्निंग साइकिल बनाई। क्या है ये साइकिल? ये देखिए चक्रीय क्रम है, कहाँ से शुरू होती है, कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस, फिर रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, फिर एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुअलाइजेशन, एंड देन एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन। मतलब पहले इसको पढ़ लेते हैं, क्या है इनके हिसाब से लर्निंग, द प्रोसेस वेयर बाई नॉलेज इज क्रिएटेड थ्रू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सपीरियंस, यानी कि वो प्रक्रिया है जिससे नॉलेज का क्रिएशन कैसे हो रहा है, हमारे जो अनुभव है उन्हीं के रूपांतरण से, है ना, तो अनुभवों के रूपांतरण से ज्ञान का गठन हो रहा है, इस ये ही लर्निंग है। ये कौन कह रहा है? कोल्ब कह रहे हैं। और कोल्ब साहब क्या कह रहे हैं कि जो लर्नर है वो क्या करता है, सॉरी, पहले उसको कोई कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस मिलना चाहिए, मतलब डूइंग और हैविंग एन एक्सपीरियंस, पहले आप उसे अनुभव प्रदान कीजिए, फिर वो उस पर रिफ्लेक्शन देगा, फिर उससे एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुलाइजेशन करेगा, यानी कुछ कंक्लूड करेगा, कुछ सीखेगा, और एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन मतलब एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा, यानी कि उसको कहीं और इम्प्लीमेंटेशन सीख जाएगा या प्रयोग करना सीख जाएगा। तो यही इनके हिसाब से साइकिल है किसकी, लर्निंग की। तो इस हिसाब से इन्होंने शुरुआत में 4 लर्निंग स्टाइल बताई थी, कौन कौन सी, देखिए वही चल रहा है ना, कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, फिर आपका एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुलाइजेशन, एंड देन एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन। और लर्नर कितने हो गए, एकोमोडेटर, डाइवर्जर, एसिमिलेटर या कन्वर्जर, या आप इसको कह सकते हैं लर्निंग स्टाइल को एकोमोडेटिंग, डाइवर्जिंग, एसिमिलेटिंग, कन्वर्जिंग। तो एकोमोडेटिंग वाला क्या है, गेटिंग थिंग्स डन, लीडिंग, टेकिंग रिस्क, इनिशिएटिंग, बीइंग एडेप्टेबल, बीइंग प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल। डाइवर्जिंग का मतलब आप समझते हैं, जब हम लोग क्रिएटिव थिंकिंग की बात करते हैं तो क्या कहते हैं कि डाइवर्जिंग हमारी थिंकिंग होनी चाहिए, तो वही हो गया इसमें, क्या, बीइंग इमेजिनेटिव, यानी कि उसको हम ऐसा दें, उसके सामने सॉल्यूशन प्रॉब्लम रखें जिससे कहें कि आप बाकी उसके सॉल्यूशन ढूंढ के लाइए, रिकॉग्नाइजिंग प्रॉब्लम, ब्रेनस्टॉर्मिंग, बीइंग ओपन माइंडेड। तो इस तरीके की लर्निंग स्टाइल के लिए आप ये फॉर्मूला यूज कीजिए कि इस तरीके से हमको लर्निंग मटेरियल प्रोवाइड करना है, एसिमिलेटिंग के लिए ऐसे कीजिए, कन्वर्जिंग के लिए ऐसे कीजिए, एकोमोडेटिंग के लिए इस तरीके का फंडामेंटल इस्तेमाल कीजिए। तो ये है इन अकॉर्डिंग टू कोल्ब, और शुरू में जब ये 4 लर्निंग स्टाइल की बात करते थे, बाद में इन्होंने इसको एक्सपेंड कर दिया और इन्होंने अपनी लर्निंग स्टाइल कर दी है 9। ये देखिए कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस यहाँ भी है, रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुलाइजेशन और एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन। लेकिन अब ये सर्कल फॉर्म में ना होकर ये स्क्वायर फॉर्म में हो गया, तो हर कंटिन्यूम पे 3 मिल गए। कौन 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 सी लर्निंग स्टाइल हो गई, इनिशिएटिंग, एक्सपीरियंसिंग, इमेजिनिंग, रिफ्लेक्टिंग, एनालाइजिंग, थिंकिंग, डिसाइडिंग, एक्टिंग, एंड लास्ट में क्या है, बैलेंसिंग। ओके, तो ये कोल्ब के हिसाब से लर्निंग स्टाइल है कि हम इतनी तरीके से लर्निंग मटेरियल को लर्नर्स के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं, या इतनी तरीके के लर्नर्स होते हैं जिनकी ये लर्निंग स्टाइल होती है तो उनको उस तरीके से सिखाया जाए, उस फॉर्म में मटेरियल को प्रेजेंट किया जाए तो उनकी लर्निंग बेटर होगी। देन वार्क मॉडल, द मोस्ट पॉपुलर, द मोस्ट सिंपल।
ये नील फ्लेमिंग का है. नील फ्लेमिंग स्पार्क मॉडल इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर. पहली बात, फ्लेमिंग इंट्रोड्यूस्ड इन इन्वेंट्री इन 1987. 1987 में इन्होंने एक इन्वेंट्री बनाई दैट वाज डिजाइंड टू हेल्प स्टूडेंट्स एंड अदर लर्नर्स मोर अबाउट देयर इंडिविजुअल लर्निंग प्रेफरेंसेस. मतलब जब बच्चा क्लास में आता है तो आप उस पर एक इन्वेंट्री लगा सकते हैं ना, कि आप ये इन्वेंट्री में पूछा जाएगा कि आपको कैसे याद होता है पढ़ के, लिख के, घूम के, टहल के, सुन के, तो वो उसको टिक करेगा, तो आपको उससे पता चल जाएगा उसका लर्निंग स्टाइल क्या है प्रेफरेबल, और आप उस तरीके के बच्चे को उस तरीके सिखाइए. ये है ना इसका हिसाब किताब. तो लर्निंग स्टाइल में देखिए, विजुअल में क्या है, आप पहले भी जान चुके हैं क्या है. टीचिंग टिप, यूज चार्ट्स एंड ग्राफ्स. विजुअल लर्नर के लिए हम चार्ट्स एंड ग्राफ्स यूज करेंगे. ओरल के लिए वर्बलाइजेशन यूज करेंगे. काइनेस्थेटिक के लिए डेमोन्स्ट्रेबल स्किल्स होनी चाहिए, डेमोन्स्ट्रेट करेंगे. और रीडर राइट के लिए टीचिंग टिप क्या, यूजिंग राइटिंग टेक्निक्स. तो ये एक इनका वार्क मॉडल चलता है लर्निंग स्टाइल के लिए. देन फेल्डर सिल्वरमैन का लर्निंग स्टाइल मॉडल, ये 1988 में आया मॉडल, और ये कंटिन्यूअम है. कंटिन्यूअम का मतलब कि एक एंड पे अगर एक्टिव है तो दूसरे पे रिफ्लेक्टिव है, एक एंड पे विजुअल है तो दूसरे पे वर्बल है, एक पे सेंसिंग है दूसरे पे इंट्यूटिव है, और एक पे सीक्वेंशियल है तो दूसरे पे ग्लोबल है. अब एक्टिव, रिफ्लेक्टिव, विजुअल, वर्बल, सेंसिंग, इंट्यूटिव और सीक्वेंशियल, ग्लोबल का मतलब क्या है? मतलब ये है कि जो सेंसिंग इंट्यूटिव कंटिन्यूअम है, इसका जो बंदा है, इसका जो इंडिविजुअल है, उसका प्रेफरेंस ऑर्डर क्या है कि हाउ यू प्रिफर टू परसीव और टेक इन इंफॉर्मेशन, यानी कि हम सूचना को किस तरह से परसीव करना चाहते हैं, सेंसिंग के हिसाब से या इंट्यूशन के हिसाब से. उसी तरह से विजुअल वर्बल का है हाउ यू प्रिफर इंफॉर्मेशन टू बी प्रेजेंटेड, कि वो जो इंडिविजुअल है, जो लर्नर है, वो क्या चाहता है कि विजुअल फॉर्म में इंफॉर्मेशन उसके सामने आए कि वर्बल फॉर्म में आए. फिर एक्टिव रिफ्लेक्टिव में हाउ यू प्रिफर टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन, हम प्रोसेस कैसा करना चाहते हैं इंफॉर्मेशन को. और सीक्वेंशियल ग्लोबल में हाउ यू प्रिफर टू ऑर्गेनाइज एंड प्रोग्रेस टूवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग इंफॉर्मेशन, यानी कि इंफॉर्मेशन को हम सीक्वेंस वाइज चाहते हैं या ग्लोबली, या आप जिसको क्या कहते हैं, जेस्टाल्ट मॉडल के हिसाब से, कि सारा हम एक साथ हमारे सामने प्रस्तुत किया जाए, कौन सा मॉडल आप चाहते हैं. तो वो लर्निंग स्टाइल का कंटिन्यूअम हो सकता है इन अकॉर्डिंग टू फेल्डर सिल्वरमैन, फेल्डर एंड सिल्वरमैन. फिर ये देखिए, इतनी सारी बात की गई, इतना सारा इस पे थ्योरी है, इतना सारा इस पे प्रैक्टिकल है, इस पे मटेरियल है, रिसर्च, लेकिन एक बात ये है कि क्या लर्निंग स्टाइल न्यूरोमिथ है? Some scientists claim that we learn better according to particular learning styles are in fact neuromyths. Means these are false beliefs. मतलब कि ये जो है वो झूठा विश्वास है about the brain and learning, none of which are scientifically based. यानी कि ये सब scientifically based नहीं है कि हम किसी को किसी एक खास तरीके से पढ़ाएं तो वो बेहतर सीखेगा. फिर Hattie and Yates ने क्या लिखा है, there is not any recognized evidence suggesting that knowing or diagnosing learning styles will help teachers to teach his or her students any better than knowing their learning styles. मतलब ये लिखते हैं 2014 में, देखिए बहुत पुरानी बात नहीं है, कि ये कहीं कोई ऐसा एविडेंस नहीं है, प्रमाण नहीं है जो ये सिद्ध करता हो कि बच्चे का लर्निंग स्टाइल जान के अगर टीचर उसको उसी हिसाब से पढ़ाए तो वो बेहतर सीखेगा. तो फिर क्या हुआ फायदा इतनी सारी पढ़ाई लिखाई का, इतने सारे जो सब था, क्या कर सकते हैं हम एज अ टीचर, हमको क्या करना चाहिए? लेकिन फिर भी आप जब, चूंकि आप 10-15 मिनट के वीडियो में 20 मिनट में बहुत सारी बातें नहीं कर सकते, आप न्यूरोमिथ करके लर्निंग स्टाइल को डाल के देखिए तो आता है कि इन स्पाइट ऑफ दिस की एविडेंस नहीं है, तब भी ये बहुत पॉपुलर कंसेप्ट है और टीचर इसको मानते हैं, बहुत पॉपुलर है, बहुत कैची है, बहुत बज वर्ड टाइप का है. तो कोई बात नहीं, ठीक है, हम कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन हम क्या करें, हमको क्या करना चाहिए? हमको ये करना चाहिए कि आप ऐसा मत करिए कि आप इसको कह दीजिए तुम वर्बल हो, तुम विजुअल हो, तुम काइनेस्थेटिक लर्नर हो, तो तुमको सिर्फ वर्बल ही बोल के बताएंगे, विजुअल वाले को सिर्फ दिखाएंगे और काइनेस्थेटिक वाले को सिर्फ हैंड्स ऑन एक्टिविटीज कराएंगे. बल्कि हमको क्या करना चाहिए, या मैक्सिमम लर्नर क्या होते हैं, मल्टी मॉडल लर्नर्स कहेंगे, ये मल्टी मॉडल लर्नर्स, यानी कि जो लर्नर होता है वो कई मोड में अगर आप उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे तो वो बेहतर सीखेगा. जैसे कि हम लोग जानते भी हैं क्या, कि सेंसेस आर द गेटवेज ऑफ लर्निंग. जितनी ज़्यादा सेंसेस हम इन्वॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा सीखेगा बढ़िया. तो एज अ टीचर हमको क्या करना है कि ठीक है, हमको पर्टिकुलर लर्निंग स्टाइल किसी की नहीं पता करनी है, लेकिन हमको ये तो पता है कि ये लर्निंग स्टाइल होती है, तो हम कोशिश करेंगे कि मल्टी मोड में तैयार करें. मतलब हम उसको लिखित रूप में भी दे दें, उसको बोल के भी सुना दें, एक्सप्लेन भी कर दें, उसको थोड़ा सा हैंड्स ऑन भी करा दें, थोड़ा सा उसको एनिमेशन भी करा दें, उसको कुछ प्रोग्राम प्रोजेक्ट में भी दे दें, उसको कुछ अकेले करने को भी दे दें, तो क्या होगा, हो गए 6-7-8 तो हमने ऐसे ही कर लिया कवर. तो और जनरली हम लोग ऐसा करते भी हैं,
एज अ टीचर, तो बेहतर होगा. तो वो मल्टी मॉडल लर्निंग, क्योंकि उभरता हुआ कंसेप्ट है, मल्टी मॉडल लर्नर्स नई बात हो रही है, तो मल्टी मॉडल लर्नर्स अगर हम ये मान के चलेंगे हमारे स्टूडेंट्स हैं और उनको मल्टी मोड में हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे. और क्या कर सकते हैं हम, टीचर्स मस्ट ट्राई टू प्लूरलाइज देयर टीचिंग स्ट्रैटेजीज टू मैक्सिमाइज लर्निंग आउटकम्स. जितना ज़्यादा हम टीचिंग स्ट्रैटेजी को अपने प्लूरलाइज करेंगे उतना ही बेहतर हम लर्निंग आउटकम को अचीव कर सकते हैं. ओके तो सॉरी, यानी कि लर्निंग स्टाइल का कन्फ्यूजन एटलीस्ट हम आई थिंक कि आपका दूर हो गया होगा, क्योंकि मुझे भी बहुत कन्फ्यूजन होता था जब मैं सर्च करती थी. और क्योंकि जब हम स्टूडेंट रहते हैं तो हमारे पास इतना रिसर्च करके पढ़ने का टाइम ही होता है ना कि हम ये भी पढ़ें. हम तो उस वक्त गोल ओरिएंटेड होते हैं कि हमको सिलेबस कवर करना है, एग्जाम देना है ना. तो अगर हमको ये सारी चीज़ें एक साथ नहीं बताई जाती तो बड़ा कन्फ्यूजन होता है. कि सबसे बड़ी बात तो वो नंबर्स का, जो मुझे बहुत दिन तक होता रहा कि ये 4, 5, 6, 7, 8, 9 मिलती क्यों है, फिर क्या है क्या नहीं है हिसाब किताब. और सबसे लास्ट में तो ये न्यूरोमिथ निकल आया, तो कोई बात नहीं, तब भी हम मल्टी मॉडल लर्निंग को प्रमोट करेंगे. ओके तो आई होप द कंसेप्ट ऑफ लर्निंग स्टाइल विल बी क्लियर टू यू ऑल. सो बी मल्टी मॉडल लर्नर्स. डन फ्रॉम माई साइड.